पुलिस थाना अंतर्गत एक अपहरण का मामला उजागर हुआ है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग को दो युवक जम्मू कश्मीर से भगा ले आए, जहां पेट्रोलिंग के दौरान डीबी पथक द्वारा शक की बिना पर दोनों को हिरासत में लिया गया तो बालिका को बाल बस्ती गृह में रखा गया है। दरअसल 22 नवंबर की रात सीतामढ़ी पुलिस के डीबी पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक मांगलकर और तिवारी द्वारा गश्त की जा रही थी। इसी दौरान दो युवक एक नाबालिग लड़की के साथ घूमते हुए नजर आए। स्थिति की संदिग्धता को देखते हुए पुलिस द्वारा तीनों को हिरासत में लिया गया, जहां पूछताछ के दौरान पता चला कि मामले में निहित आरोपी मुद्दशिर हुसैन मोहम्मद हुसैन उम्र 19 वर्ष और यासिर हुसैन मोहम्मद यासिन उम्र 19 वर्ष दोनों 14 वर्षीय नाबालिग को जम्मू कश्मीर से भगा ले आए थे। गौरतलब है कि दोनों में से एक युवक हैदराबाद में खानसामी का काम करता है, जिसके संपर्क से वह नाबालिग को हैदराबाद लेके जाने वाली थी, लेकिन तभी सीतामढ़ी पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया। बालिका को काटल से कन्या बाल बस्ती गृह में रखा गया है। वहीं आगे उन्हें किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हवाले किया जाने वाला है, जहां दोनों आरोपियों पर अपहरण का मामला दर्ज किया जाएगा। मामले की खोजबीन में कई और संबंधित चीजों का खुलासा होने की संभावना है, लेकिन इस प्रकार के अपहरण के मामलों के कारण लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उपस्थित हो रहा है। 22 तारीख को हमारे यहाँ के PSI तिवारी और डीबी पार्टी रेलवे स्टेशन एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि वहाँ दो लड़के और एक लड़की बहुत देर से घूम रहे हैं। इसलिए हमारे PSI ने उनको पूछताछ किया तो पता चला कि वो जम्मू कश्मीर से आए हैं। उसमें से दो लड़के जो है वो मुदस्सिर हुसैन मोहम्मद हुसैन रानार बमशारू चामोरी क्रिस्टवारा जम्मू कश्मीर, और दूसरा था यासिर हुसैन वल्द मोहम्मद शाही एक किंचा डोडा मालानू का जम्मू कश्मीर का रहने वाले है। ये दोनों लड़की उनके साथ 15 साल की थी। तो ये तीनों को फिर महिला कर्मचारियों के साथ में पुलिस स्टेशन में लाया गया, पूछताछ किया गया। लड़की के पास जो मोबाइल था उसपे से उसके माँ को उसके रिश्तेदारों को पूछा गया तो पता चला कि उधर जम्मू कश्मीर में इसके बारे में 363 IPC के तहत एक गुनाह नोन था। उसके लिए फिर हमने यहाँ थाने में ला के जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछताछ जब की, फ़ोन से जब संपर्क किया तब हमें पता चला कि वहाँ 363 का दाखिल है, और उन्होंने हमें विनंती किया फ़ोन पर कि हमारी टीम निकल रही है, आप उन्हें कृपया ताबे में रखिए। तो बच्ची को हमने शासकीय गवर्नमेंट लेडीज हॉस्टल है वहाँ रखा है, और बच्चे हमारे पास दोनों लड़के हमारे पास है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।